हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिता और आप सभी का स्वागत है नंदितास किचन में। आप सभी लोगों को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली में आप जो है थोड़ा सा हेल्दी तरीके से भी दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। हेल्दी मिठाई हो तो आपको कोई भी गिल भी नहीं रहेगा और साथ ही साथ में ये बहुत ही हेल्दी भी ऑप्शन होता है। इस दिवाली में नंदिता किचन की तरफ से आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी मक्खन लड्डू की रेसिपी को, जिसमें ना कोई हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना ही कोई गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी, साथ ही साथ हेल्दी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी गिल्ट फ्री सुपर टेस्टी मखाना लड्डू की रेसिपी को। मखाना लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 कप मखाने ले लिया। मखाना आपको कोई भी ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। मखाने को हमें रोस्ट कर लेना है, तो सारे मखाने को आप एक कढ़ाई में डाल दें। गैस से इंडक्शन के फ्लेम को मीडियम पे रख के आपको जो है मखाने को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। मखाने को हमें लगातार चलाते रहना है और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मखाने को रोस्ट करते टाइम गैस से इंडक्शन के फ्लेम को आपको जो है मीडियम टू लो पे रखना है। 5 मिनट बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मखाना हमारा अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। एक मखाने को हम लेकर चेक कर लेते हैं, तो मखाना यहाँ पे अच्छी तरीके से टूट रही है। तो इसी स्टेज में हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और मखाने को जो है एक बोल में निकाल के रख देंगे। मखाने के साथ साथ हमने कुछ यहाँ पे नट्स ले लिया और सीड्स ले लिया। हमने यहाँ पे 1/4 कप अखरोट ले लिया, 1/2 कप यहाँ पे मेलन सीड्स, 1/2 कप काजू, 1/2 कप आमंड और 1/4 कप हम इसमें जो है पिस्ता ले लिया। आप अपने चॉइस का कोई भी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स को हम सेम कढ़ाई में डाल देंगे और डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम में हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई नट्स यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए, इसलिए हम इन सब को जो है थोड़ा सा रोस्ट कर ले रहे हैं। इंडक्शन को बंद कर देंगे और नट्स और सीड्स को भी हम यहाँ पे एक बोल में निकाल देंगे। बोल में निकालने के बाद हमें मखाने, नट्स और सीड्स को जो है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हम इस लड्डू में गुड़ या चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो मिठास के लिए हमने जो है यहाँ पे ले लिया 1/2 कप खजूर। खजूर को जो है मैं पानी में भिगो के रखा था 1/2 घंटे के लिए। पानी में भिगोने से खजूर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, तो सारे खजूर को हम डाल देंगे यहाँ पे एक मिक्सी जार में। पानी के साथ ही आपको डालना है। मिक्सी जार के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको जो है अच्छी तरीके से पीस लेंगे। तो ये हमारा खजूर वाला पेस्ट जो है बन के तैयार है। खजूर को जो है खजूर का बीज निकाल के ही पीसे। दूसरी तरफ हमारा मखाने, नट्स और सीड्स भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो ठंडा किया हुआ मखाने, नट्स, सीड्स को हम डाल देंगे मिक्सी जार में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इसीलिए मैं बड़ा वाला मिक्सी जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सारे चीज़ों को मिक्सी जार में डालने के बाद हम मिक्सी जार का ढक्कन को बंद कर देंगे और सारे चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से पीस लेंगे। नॉर्मली हमें जो है सारे चीज़ों को पाउडर फॉर्म में बना लेना है। मखाना, सीड्स, नट्स का मिक्सचर भी यहाँ पे तैयार है। एकदम हमने यहाँ पे जो है फाइन पाउडर बना लिया है सारी चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं, आपको भी इसी तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और कढ़ाई के गरम होते हम इसमें डाल देंगे खजूर का पेस्ट। हमें खजूर के पेस्ट को 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में थोड़ा सा भून लेना है। मिक्सर को लगातार चलाते रहे और 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम में ही भूनना है। जैसे ही खजूर का मिक्सर भूनना शुरू होगा, खजूर का मिक्सर का कलर जो है डार्क होता रहेगा। थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच पीनट बटर। पीनट बटर डालने के बाद हमें जो है मिक्सर को लगातार चलाते रहना है और लो फ्लेम में 1 मिनट के लिए और भून लेना है। तो यहाँ पे हमारा पीनट बटर और खजूर का मिक्सचर जो है अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसी में डाल देंगे रोस्टेड मखाना, सीड्स और नट्स का पाउडर। गैस से इंडक्शन के फ्लेम को लो पे रख के हम इन सारी चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से मिला देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 3 छोटी चम्मच घी। घी से लड्डू में जो है मॉइस्चर बना रहेगा और लड्डू का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। घी डालने के बाद हमें इन सबको अच्छी तरीके से मिला देना है। गैस से इंडक्शन के फ्लेम को आपको जो है लो पे रखना है। मखाना लड्डू के मिक्सचर यहाँ पे तैयार है। इसी स्टेज में हम इंडक्शन को बंद कर देंगे।
लड्डू के मिक्सर को थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देंगे और जैसे ही लड्डू के मिक्सर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा हम अपने हथेलियों पे थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लेंगे और घी को ग्रीस करने के बाद थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेंगे और उसको लड्डू का शेप बना देंगे और लड्डू के शेप बनाने के बाद हथेलियों पे थोड़ा सा रोल कर ले ताकि हमारा लड्डू जो है थोड़ा सा स्मूथ दिखे। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है कि सारे लड्डू बना लेना है। तो सारे लड्डू हमारे बन चुके हैं, दिख रहा है ना, बहुत ही यम्मी। तो इस दिवाली अगर आपको किसी के घर में मिठाई ले जाना है तो आप इस हेल्दी टेस्टी मखाने लड्डू की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में दे सकते हैं। कोई भी त्यौहार हो या फिर आप अपने डाइट कंट्रोल कर रहे हैं तो उस केस में भी आप इस टेस्टी मखाने लड्डू को खा सकते हैं। गिल्ट फ्री है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की सुपर टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।